प्रभान जी उनका नाम है और हम सब लोग उनको प्यार से छोटे बाबा कहते हैं। उनकी आज शादी है, इस मौके पे इतने लोग आए हुए हैं, मुझे भी आने का मौका प्राप्त हुआ। मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं उनको, शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी ये शादीशुदा ज़िंदगी खुश रहें। और संगीत में म्यूज़िक एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर तो लोगों को खुश करते आ रहे हैं, हमें भी एक से एक अच्छे गाने को गाना दिया उन्होंने और लोगों को का दिल तो जीता ही है संगीत से। लेकिन आज उनके जीवन में भी एक मधुर संगीत प्रवेश हो रहा है और ये संगीत उनके जीवन के लिए बहुत ही म्यूज़िकल हो और उनके ज़िंदगी में चार चांद लगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जो दुल्हन है वो भी गायिका है, नूपुर कश्यप, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है ये तो, और अच्छी बात है कि नूपुर जी गाती हैं और दूल्हा चंद्रभान जी छोटे बाबा यानी कि संगीतकार हैं, तो संगीत और गायकी का जोड़ी है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। मुबारक हो तुझको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। शादी है उनकी, जो दुल्हन है वो भी गायिका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मेरे ख्याल में ये मेरी पहली शादी है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में शादी हो रही है किसी की और मैं पर्सनली अटेंड कर पाई हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। और छोटे बाबा बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी है हमारी, काफ़ी सारी फिल्मों में म्यूज़िक भी दिया है। हमारी अभी जो बलमा बिहार वाला फिल्म आई है तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा संगीत दिया है और हिंदी में भी वो काफ़ी सारा म्यूज़िक बना रहे हैं। नूपुर कश्यप जी भी हमारी अच्छी सहेली रही है और काफ़ी सारे फिल्म्स में गाने गाए हैं और काफ़ी काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, सो आई एम वेरी हैप्पी कि दिल से दिल जुड़ गए हैं और आज एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। इससे ब्यूटीफुल मोमेंट किसी के लिए भी नहीं हो सकता, सो मैं बहुत खुश हूँ शादी अटेंड करके और अच्छा लग रहा है, एंजॉय करूँगी भी वेडिंग। पर्वत को क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे ये बंधन ऐसा है कि पूरी तरह से विश्वास पर चलता है और जितना प्यार और सम्मान हम एक दूसरे को दे सकते हैं और बरकरार रख सकते हैं, जब तक हम बंधन में बनते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें दूर से बहुत डिफरेंट लगती हैं, लेकिन जब हम बंधन में बनते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, छोटी छोटी बातें, उतार चढ़ाव, सबका साथ देते हुए आगे बढ़ना होता है। सो बहुत ही समझदारी से इस रिश्ते को आगे लेकर चलना होता है और इसके जितना सुंदर कोई रिश्ता हो नहीं सकता। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि बहुत ही प्यार से अपने सांसारिक जीवन को ही बिताएं और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आई रियली ब्लेस देम, थैंक यू। हाँ मैम, बात करें वो सलमान खान जी को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? ओलंपिक के लिए क्या टॉपिक? मैं बोली शादी से सीधा जम कर दिया ओलंपिक पे। ओलंपिक के लिए जो है सलमान खान जी को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया, उसके भी कुछ बातें हुई है कि कुछ विरोध भी जाहिर किया जा रहा है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स एंड एक्टर्स ये हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक से तो जुड़ते ही हैं और स्टार्स और स्पोर्ट्स ये बहुत ही गहन रिश्ता है। मैं स्टार बाद में बनी हूँ बट मुझे लगता है मैं स्पोर्ट्स में पहले रही हूँ। स्कूल के लेवल पे जब हम लोग रहे हैं तो मैं खो खो चैम्पियन रही हूँ, कबड्डी चैम्पियन रही हूँ, रनिंग में मुझे पीटी ऊषा बुलाया जाता था तो मैं रनिंग में भी रही हूँ और इसीलिए कहीं ना कहीं सीसीएल एक्टिविटीज़ जब भी हुई मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट योगदान मैं चाहती थी कि मैं रखूँ और इसीलिए टीम को फाइंड भी किया था और टीम को बनाया भी था हमने। और मैं बहुत खुश हूँ कि जब एक्टर्स को सिर्फ एक्टिंग के
फील्ड तक सीमित ना रख के आप एक नेशनल स्तर पे भी देखना चाहते हैं. एंड नो डाउट सलमान खान जी डिज़र्व करते हैं बिकॉज वो हर एक दिल की धड़कन है और लोग बहुत प्यार करते हैं उनको. उनके स्वभाव में ये खूबियाँ हैं कि लोग उन्हें प्यार करें. तो जब आइकन वो हर दिल में जब बसे हुए हैं और हर एक के आइकन हैं बच्चों से लेके बड़ों तक, तो वो डिज़र्व करते हैं फॉर श्योर टू बी ब्रांड एम्बेसडर फॉर ओलंपिक्स. एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. शादी गाना गाने पड़ेगा सही में. ज्यादा मुश्किल हो रहा है यार. चलिए मैम बात करें, आज छोटे बाबा जी म्यूजिक डायरेक्टर की शादी हो रही है, उनसे सारी मूवी सिंगर है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे कल पता लगा कि मुझे पहले लगा था कि प्री मैरिज पार्टी है, मतलब बॉम्बे में हमारी रीति रिवाज से, उत्तर प्रदेश बिहार की रीति रिवाज से शादी होगी, ये मैंने मुझे पता नहीं था. और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि अभी पूरा जयमाल के बाद पूरा वो ट्रेडिशनल रिवाज चलेगा. एंड जो दुल्हन है वो भी सिंगर है, वो भी मुझे पता नहीं था. अब सब कुछ पता लग रहा है कि ये लव मैरिज है. मुझे छोटे बाबा ने झूठ बोला कि घर से पसंद किया गया है. सो अच्छा लग रहा है कि आप एक नए लाइफ की आप शुरू कर रहे हैं एक तरह से. हाँ, सेकेंड इनिंग्स बोल सकते हैं बॉम्बे में एक नई शुरुआत. और लक्ष्मी आई है घर में, तो और लक्ष्मी सरस्वती की भरमार आशीर्वाद मिले छोटे बाबा जी को. और यही मेरी तरफ से आशीर्वाद है, मेरी तरफ से ये काम है. छोटे बाबा के लिए कुछ शब्द तो बोल दीजिए दर्शकों को. कोई आपके अंदाज में? मेरे अंदाज में गाना तो बहुत सारे हैं. अभी अच्छा गाली ही दे दीजिए. हाँ, गाली ही गाना चाहिए. गाली मैं सुनूंगी एक्चुअली, मैं थोड़ा वेट करूंगी. आज अगर कोई गाली गाएंगे तो मैं चाहूंगी कि इसको रिकॉर्ड करूं. क्या क्या कितने हद तक जा सकते हैं वो देखना है. बारात में गाली. और गाना मुझे अभी मुझे यही याद आ रहा है जो दिनुवा के भेदिया भुलाई दा, दिनुवा के भेदिया भुलाई दा, डोली लेके आ जा जी, गबनवा ले जा राजा जी. छोटे बाबा गबनवा ले जाइए राजा जी बन के. थैंक यू. ममता जी लाइट मिलेगा यहाँ पे? लाइट ला. आज छोटे बाबा जी म्यूजिक डायरेक्टर की आज शादी हो रही, क्या कहना चाहेंगे उत्तर भारतीय मतलब रिवाज से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार. और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा का की आज शादी है. और मैं छोटे बाबा सर को और नुपुर भाभी को बहुत बहुत तहे दिल से शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ. आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करती हूँ. और शादी के दो लाइन की तस्वीर, आप भी सिंगर हैं. और चूंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में अपने उत्तर भारतीय रीति रिवाजों के का पूरा के जरिए मतलब शादी हो रहा है. जितने भी हमारे घर में जो नेक जोग होते हैं शादी के दौरान हमारे अपने यूपी बिहार के तरफ, पूरे उस नियम के को निभाते हुए शादी हो रहा है. तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि बॉम्बे जैसे शहर में भी ये सब नियम हो सकते हैं. और बहुत अच्छा लगा. और इस शादी के इतने खुशनुमा माहौल में मैं दो लाइन आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगी. वो गाना कुछ ऐसा है, वो शायद छोटे बाबा दहेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं नहीं मालूम, पर फिर भी ये मेरा गाना है. आप लोग को आशा करती हूँ कि पसंद आएगा.
झाड़ू पोछा कर अब नाही मांजब बर्तनवा, झाड़ू पोछा कर अब नाही मांजब बर्तनवा, दहेज दे के किनले बानी बानी, दहेज दे के किनले बानी तोहरा के सजानवा, दहेज दे के किनले बानी तोहरा के सजानवा, दहेज दे के किनले बानी। कीप रॉकिंग, बाय, टेक केयर। माहौल थोड़ा बाद में ऐसा बन गया था कि सब बात करें, आज म्यूजिक डायरेक्टर भोजपुरी के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा जी की शादी हो रही है, पूरा फुल इंडस्ट्री यहाँ पे आया हुआ है और अपना भोजपुरी रीति रिवाज से शादी हो रही है। बिल्कुल, सबसे बड़े खुशी की बात है चंद्र भान उपाध्याय जी छोटे बाबा संगीतकार, जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए संगीतकार होंगे लेकिन मेरे तो परम मित्र हैं। और ये बहुत बड़ा एक ख़ास बात ये है कि मैंने अभी तक जो 5 फिल्में बनाई रिलीज हुई हैं उसमें से 4 के म्यूज़िक डायरेक्टर छोटे बाबा ही हैं और आगे भी 2-3 फिल्में जो मैं कर रहा हूँ उसके म्यूज़िक डायरेक्टर छोटे बाबा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर वधू दोनों से मेरा बड़ा ही पर्सनल और अच्छा खासा रिलेशन है, बहुत प्यार सम्मान हम देते हैं दोनों वर वधू को और बुकुर जी और छोटे बाबा चंद्रभान उपाध्याय जी को शादी के इस मौके पर हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामना है और उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए मैं चाहूँगा कि एकदम खुशहाल रहे उनका जीवन और ऐसे ही संगीत के क्षेत्र में छोटे बाबा नाम करते रहे। आज छोटे बाबा जी की शादी है और बहुत ही प्यारा माहौल है और उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, ये दुआ करूंगी मैं रब से। और 2 लाइन बहुत ही प्यारा शेर है, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि चूमे खुशियां हरदम आपके कदम, चूमे खुशियां हरदम आपके कदम, रहे हमेशा खुशियों का मौसम, आने न पाए कभी कोई गम, जोड़ी सलामत रहे आपकी हरदम, जोड़ी सलामत रहे आपकी हरदम। इस दुआ के साथ बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएँ, उनकी नई शादीशुदा जोड़ी हमेशा यूं ही सलामत रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, मैं बिल्कुल एक सिंगर हूँ तो थोड़ा सा दिल में आ रहा है कि गा दूँ, और एक बहुत प्यारा सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं नूपुर जी की तरफ से गा रही हूँ, जो उनकी वाइफ हैं तो उनकी तरफ से मैं बाबा जी के लिए गा रही हूँ, आप ऐसा सपोज करना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना, हो सीता के बिन राम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा, तुम ही बोलो ये सच है ना, तुम ही बोलो ये सच है ना, जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। एक बार फिर से दोनों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं छोटे बाबा के शादी में पहुंचा हूं, मैं बराती हूं और कब से पानीपुरी पर टूटा हुआ हूँ, सारा पानीपुरी लगता है आज ही ख़त्म कर दूँगा खाने, बहुत अच्छा व्यंजनों का व्यवस्था किया है खाने पीने का। लोखंड वाला के ये स्पोर्ट क्लब है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल भी है, जहाँ शादी किया जा रहा है, भव्य शादी का आयोजन किया गया है। उनके होने वाली वाइफ है नूपुर नाम है, जो एक वो भी सिंगर है और हमारे जो छोटे वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो दोनों को जोड़ी बहुत अच्छी जमे, हम लोगों का कंपोज होगा और हमारे बीच में काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री से कलाकार आए हुए हैं, कल्पना जी ने, उदित जी ने, राजकुमार पांडे, चिंटू, पाकी हेगड़े जी, सचिन यादव जी, काफ़ी लोगों ने। खुशी की बात यह है कि आज एक सुर और संगीत का मिलन हुआ है और हमारे परम मित्र छोटे बाबा जी संगीतकार हैं और संगीतकार के साथ साथ आज जो सुर सामग्री नूपुर की बात करें हम,
तो आज इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है, शादी हुई है, एक दूसरे का जोड़ा आज जो दिख रहा है सामने, तो ये सुर और संगीत का मिलन हुआ है, सबसे बड़ी बात हम कहें। और आज जो इतनी मतलब खुशी हो रही है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें हम, तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है काफ़ी मतलब चाहे वो आपके पाखी जी हो, चाहे आपके अनंजय रघुराज जी हो, चाहे आप संजय भूषण हो, चाहे ऑल इज एवरीथिंग इज वेरी नाइस। बड़ा अच्छा लगा मिल करके कि लोगों से आज जो हम लोग 2-4 साल में जिससे नहीं मिले थे उससे भी आज मुलाकात भी हुई और बहुत ही इंजॉय किया। मैं तो बहुत डांस किया और बड़ी खुशी हुई कि आज हम मतलब बता दें कि ये बहुत बड़ी जो मतलब आज हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और संजय जी अभी क्या ड्रिंक किए हुए हैं ना, तो थोड़ा सा इंजॉय काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड ड्रिंक नहीं किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, छोटे लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और उनके वाइफ नूपुर जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उनके 7 जन्म तक ये रिश्ता जुड़े रहे। 7 जन्म अभी तक सुना था, 100 जन्म हमारे सचिन भाई डायरेक्टर बोल रहे हैं और डायरेक्शन